वेलकम टू जीरो से जीनियर्स तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे हिस्ट्री के 20 सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे, जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस क्विज टेस्ट को अंत तक जरूर खेलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट टू है। पहला सवाल, विजयनगर का मध्ययुगीन शहर अब किस रूप में जाना जाता है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। और ये सवाल बार बार पूछता है, इसका जवाब आपको पता नहीं है तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आंसर सोचने के लिए समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, निम्न मुगल इमारतों में से कौन सी लंबाई और चौड़ाई में समान रूप से बराबर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताजमहल। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर तीन, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही कोर्ट में निम्नलिखित में से किसे राजदूत के रूप में भेजा गया था? सवाल को एक बार फिर से, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही कोर्ट में निम्नलिखित में से किसे राजदूत के रूप में भेजा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन हॉकिंस को। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्क। क्वेश्चन नंबर फाइव, विजयनगर के शासकों ने किसे बढ़ावा दिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर छह, सभी विजयनगर शासकों में से किसे सबसे बड़ा माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव राय को। ओके, सदाशिव राय। ओके, क्वेश्चन नंबर सात, दोस्तों आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियर्स तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहां क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे फुल्ली वर्क करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, इनमें से कौन गलत तरीके से जुड़े हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त कितरुनु याम। ओके, ये गलत है, बाकी आपका तीनों सही है।
कृष्णदेव राय, अमुक्ता मल्यादा, हर्षवर्धन नागानंद और कालिदास ऋतु समहारा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सवाल इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10, ताजमहल के बारे में सबसे कम वांछित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारीगरों के नाम जिन्होंने उसे बनाया गया है उस पर उत्कीर्ण है, ये सही नहीं है। ओके, इसलिए पढ़ने में मजा नहीं आया। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यह एक शानदार मकबरा है, बिल्कुल है। यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल। और यह आगरा के किले के बाहर स्थित है, ये भी राइट आंसर है। रेड फोर्ट तो नहीं, आगरा के किले। ओके, तो आपको फाइनली समझ आया कि इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ताजमहल के बारे में चर्चा हो रहा है तो आपको तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर नाम किसने लिखा है? अकबरनामा इसको भी बोलते हैं, किसने लिखा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 13, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया था, बकलोल नहीं, बहलोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अनपढ़ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, औठा छाप। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? बहुत अच्छे सवाल है, पहला है और मुगल काल का, तो आपको वो आंसर याद करना अच्छी बात है, याद कर लो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषद द्वारा सिकोह द्वारा किस शीर्षक के तहत फारसी में अनुवादित किए गए हैं? उपनिषद द्वारा या सिकोह द्वारा किस शीर्षक के तहत फारसी में अनुवादित किए गए हैं? माफ कीजिएगा, सवाल ऐसा होगा, हमारे टाइपिस्ट ने कुछ गलत किया है। सवाल ऐसा होना चाहिए कि उपनिषद को सिकोह द्वारा किस शीर्षक के तहत फारसी में अनुवादित किए गए हैं, ये सवाल हुआ, ऐसा होगा ना? फिर से सुनिए कि उपनिषद को सिकोह द्वारा किस शीर्षक के तहत फारसी में अनुवादित किए गए हैं? ओके, क्लियर। अब ऑप्शंस पे विचार कीजिए। राइट आंसर सोचने के लिए समय स्टार्ट होता है अब।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिर ई अकबर, उसका शीर्षक था सिर ई अकबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों में उनकी बहादुरी पत्नी के अधीन मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। 17 नंबर सवाल को फिर से पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, और मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने उसकी बहादुर पत्नी के अधीन मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आप रीड कीजिए और राइट आंसर पता कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 18। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरगोविंद। क्वेश्चन नंबर 19। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? बहुत अच्छे सवाल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1674 एडी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। विजयनगर का मध्ययुगीन शहर अब किस रूप में जाना जाता है? ये सवाल फर्स्ट से लास्ट, और यदि आपने कैप्चर किया है, आपने गेन किया है, तो इसका राइट आंसर समझ आ जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी, जिससे शुरू किए उसी से अंत किए। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, निम्न मुगल इमारतों में से कौन सी लंबाई और चौड़ाई में समान रूप से बराबर है? बहुत अच्छे सवाल है, यदि आपको राइट आंसर कभी सुने हैं, कभी पढ़े हैं या पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। वीडियो अब तक लाइक कर दिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए और आई बटन पर क्लिक करके इसके फर्स्ट एपिसोड आप देख सकते हैं। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।